एपिसोड 26 पेशकश मेरे कारवा। वजदान वो मेरे चेहरे पे नजरें गाड़ते हुए बोली, मेरे जहन में चाहे सैकड़ों खूबसूरत नाम भी मौजूद हो ना, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये क्या बात हुई? यही तो बात है वजदान, मुझे भी तो समझाओ ना। मैंने हैरत से उस शरारत की पुड़िया और मोम की गुड़िया को तकते हुए कहा, तुम उलझी हुई बातें क्यों कर रही हो? वो एकदम संजीदा हो गई। देखो वजदान, तुमने मेरा नाम तब्दील करने की तजवीज दी है, अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे लिए नया नाम भी तुम ही मुंतखब करो। मेरे सीने से गहरी सांस निकल गई। धनो हर कदम पर अपनी जहानत का सबूत दे रही थी। पता नहीं वो मुझे क्या समझ बैठी थी। उसकी वालाना अकीदत में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था, जो मुझे जहनी तौर पर उलझन में मुबतला कर रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सब कुछ बेसाख्ता न कर रही हो, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही हो। सूरत हाल हासी संगीन शक्ल अख्तियार करती जा रही थी। मैंने कहा, फिलहाल तो कोई मुनासिब और मुनफरिद सा नाम नहीं सूझ रहा, मैं इस बारे में गौर फिक्र करूंगा। मैं इंतजार करूंगी वजदान, धनु ने एक सादा सा जुमला बिल्कुल ही सहल अंदाज में कहकर मुझे कड़ी आजमाइश में डाल दिया था। वो बजाहिर जितनी सीधी सादी नजर आती थी, अंदर से उतनी ही पेचीदा थी। शाम से थोड़ी देर पहले हमें हमारे अमाल नामे के साथ उस चौकी से मुतलका थाने में पहुंचा दिया गया। मुकामी पुलिस के हवाले करने के बाद रेंजर्स वाले वापस चले गए थे। हम दोनों के अलावा पंडित किशोरी लाल और उसके दोनों साथी आचर और पीर बख्श, इन दोनों को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मैं और धनु हवालात के एक ही कमरे में थे और पंडित और उसके दोनों बंदे दूसरे कमरे में थे। रेंजर्स वालों ने हवेली के खुफिया गोदाम से स्मगल शुदा माल भी बरामद कर लिया था और हम पांचों के खिलाफ मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के बाद हमें अपनी चौकी से रुखसत किया था। हमें हवालात के जिस कमरे में रखा गया था, उस फर्श पर खजूर के पत्तों से बनी एक मुख्तसर सी चटाई बिछी हुई थी। किसी जमाने में वो चटाई अपनी असली शक्ल सूरत में और अपने असली साइज के साथ वजूद रखती होगी, मगर अब इम्तदादे जमाना ने इसके हुलिया बिगाड़ रखा था। उसका वजूद हासी हद तक सिमट चुका था। उसकी कह हालत से कोहना साली झलकती थी। जा बजा तिनके भी टूटे हुए थे। मस्कूरा चटाई की बाकियात पर मुश्तमिल कमरे के कोने में पड़ी अपनी बर्बादी पर अश्कबार कर रही थी। मैंने इस चटाई पर बैठकर हवालात की ठंडी दीवार पर टेक लगा ली। धनु भी मेरे करीब ही टांगे फैलाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त भी तकलीफ के हल्के से आसार थे। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और फिजा में हुंकी बाकी थी। सहरा का दिन जिस कदर जुलसा देने वाला होता है, रात उतनी ही हुनक और जमा देने वाली होती है। अभी तो रात का आगाज हुआ था। फिजा में बढ़ती हुई उनकी धनु के पाँव के दर्द में इजाफा कर रही थी। मैंने इशारे से धनु को अपना पाँव नजदीक लाने को कहा। उसे हल्की सी कराह के साथ मजरूब पाँव वाली टांग को समेट कर इस तरह जख्मी टहने वाला पाँव मेरे दाएं हाथ में करीब कर दिया। मैंने उसके मतोरम टखने पर होले होले अपनी उंगलियों से मसाज करना शुरू कर दिया। इस तरीका उलाज को पासस कहा जाता है। आजकल ये अमल रैकी के नाम से भी मुतारफ करवाया जा रहा है। दर हकीकत ये सब कुछ कुवते इर्तकास की करिश्मा साजी है, जिसके पसपर्दा ची की कुवत कार फरमा होती है। ये एक मुस्तनिद और मौसर दाफे दर्द अमल है। थोड़ी देर के बाद धनु शांत होगी, फिर वो भी खिसक कर मेरे नजदीक आ गई और हवालात की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अब उसने अपनी टांगों को आलती पालती की शक्ल में एक दूसरे पर चढ़ा लिया था। धनु के दाएं टखने में चोट आई थी। इस हालत में बैठते हुए मजरूब पांव बायरान के ऊपर टिक गया था। धनु अब अपने हाथ से धीरे धीरे उसे सहला रही थी। उसे अपनी कमर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर लिया, गोया वो सेल्फ यासिस के अमल से गुजर रही थी। मैंने एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डाली। धनु के चेहरे पर फितरी मासूमियत ने मेरे दिल में गुदगुदी सी जगा दी। बेख्तियार मुझे इस पर प्यार आने लगा। 2 घंटे बाद हमारी तलबी हुई। एक कांस्टेबल ने आकर हवालात का दरवाजा खोला और मेरी जानिब देखने लगा। इंचार्ज साहब ने तुम दोनों को अपने कमरे में बुलाया है। मैं कोई सवाल किए बगैर उठकर खड़ा हो गया। उठने में मदद देने के लिए मैं धनु की जानिब झुका। इस मरतबा धनु ने बहुत मामूली सा सहारा लिया था, जिसका मतलब था कि उसके टहने की तकलीफ काफी हद तक रफा हो चुकी है। कांस्टेबल हमें थाना इंचार्ज के पास पहुंचाकर वापस गया। हम दोनों मुजरमों की तरह थानेदार के सामने खामोश खड़े थे। उसी तनकीदी नजरों से हमारा जायजा लिया
और फिर अपने सामने मेज पर रखी हुई फाइल पर दोनों हाथ रखते हुए हमसे मुहातिब हुआ। बाबा जासूसी करते हो, उसके लहजे में तंस की काट थी। मैं उसके सवाल पर खोल कर रह गया। तब मैंने जब्त के दामन थामे रखा और मोतदी लहजे में जवाब दिया, थानेदार साहब हम जासूस नहीं हैं, एक मजबूरी ने हमें आपके कब्जे में पहुंचा दिया है, आप अपनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करो और हमें जाने दो। फिर मैंने दन्नो की जानिब इशारा करते हुए कहा, मेरी साथी का पांव जख्मी है, ये ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। थानेदार ने धन्नो को टटोलती ही नजरों से देखा और फिर कहा, तुम बैठ सकती हो। थानेदार की मेज के पास एक छोटी सी बेंच धरी थी। धन्नो इस मेहरबानी से इस्तफादा करते हुए बेंच पर बैठ गई। थानेदार मेरी जानब मुतवज्जा हो गया। बाबा जब कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ जाता है तो वो यही कहानी सुनाता है, वो खुद को बेबस, लाचार, मजबूर और बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लग जाता है। हम लोग इसके आदी हैं, मैंने मजबूत लहजे में कहा, हम ना तो मुजरिम हैं और ना ही किसी किस्म की जासूसी में मुलविस हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है हमारे बारे में? हमें कभी गलतफहमी नहीं होती, वो सख्त लहजे में बोला। मैंने कहा, हम रेंजर्स वालों को मुकम्मल बयान दे चुके हैं, वो हमसे मुतमईन हो गए थे, हमारी तफसीली रिपोर्ट आपके पास पहुंच चुकी है, फिर हाँ हाँ हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। वो चल लम्हों तक मुझे ऐसी नजर से देखता रहा जैसे मेरे आर पार देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, रेंजर्स वालों ने जो कुछ किया उसे भूल जाओ, बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। आप क्या करने वाले हो थानेदार साहब? मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो दुश्मन मुल्क के जासूसों के साथ किया जाता है। वो कीना तोस नजरों से मुझे देखते हुए कहा, तुम दोनों रा के एजेंट हो और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके हमारे मुल्क में दाखिल हुए हो। ये क्या बकवास है, मैंने तेज आवाज में कहा। वो धमकी आवाज में बोला, बाबा ज्यादा चीखने चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साथी का लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम्हें ऐसी खरी खरी सुनाता कि तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाता। तुम वो खरी खरी सुना ही दो, मैंने भुनाए हुए लहजे में कहा, इस तरह तुम्हारी ये खोटी खोटी तो नहीं सुनना पड़ेगी। मेरे लहजे में उसने गुस्ताही की बो सूंघ ली थी। उसे दहाड़ते हुए कहा, ये थाना है बाबा और मैं इस थाने का इंचार्ज हूं, ज्यादा चीखने चलाने की जरूरत नहीं, वरना। उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैंने पूछा, वरना क्या होगा? बहुत बुरा, वो सुलगती हुई आवाज में बोला, बाबा तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने कहा, हमारे साथ अब तक सुबह से कौन सा अच्छा हो रहा है? बाबा तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, थानेदार ने तेज नजरों से मुझे घूरा, और तुम्हारा खून भी बहुत गर्म है, मगर तुमने अभी एक मरतबा। फिर उसने सवालिया अंदाज में फिक्र अधूरा छोड़ दिया। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, आपको हमारी बेगुनाही का यकीन कैसे आएगा? यकीन दिलाना चाहते हो? उसे मायने हेज अंदाज में मुझे देखा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, आपने हमारी रिपोर्ट तो पढ़ ही ली होगी, उसमें एक रुके का भी जिक्र है, बल्कि मेरे ख्याल में वो रुका भी फाइल में ही मौजूद होगा। एक लम्हे को रुका, मैंने सवालिया नजर से क्रख सूरत थानेदार को देखा। वो जुमानी अंदाज में गर्दन को इस बात ही जुम्बश देते हुए बोला, हाँ हाँ फाइल में रुका मौजूद है और मैंने इसे पढ़ा भी है, मगर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, इस रुके के मुताबिक पंडित किशोरी लाल मुझे पाकिस्तानी करेंसी में 50,000 रुपए देने का पाबंद है। यहां तक कहकर मैंने थानेदार की तरफ एक खास नजर से देखा। वो पूरी तवज्जा से मेरी बात सुन रहा था, उसकी आंखों में दिलचस्पी नमाज संजीदगी झलक रही थी। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर वो रकम किशोरी लाल से मैं वसूल करके आपको दे दूं तो? आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? मैंने इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए आसान तरीन तरकीब आजमाने का फैसला कर लिया था। गोया में थानेदार को सीधा सीधा रिश्वत की पेशकश कर रहा था। मैंने बरेसगीर की पुलिस के बारे में बहुत सी कहानियां और किस्से सुन रखे थे। इंडिया की पुलिस को तो मैं बहुत अच्छी तरह बरत और परख चुका था। मैंने सुन रखा था कि पाकिस्तान में भी इस महकमे की वही हालत है जो कि हिंदुस्तान में है। मेरी पेशकश पर थानेदार की आंखों में चमक पैदा हो गई। 50,000 की रकम कोई मामूली रकम नहीं थी।
यह रकम सुनकर थानेदार की आंखों में भी जिंदगी की चमक उजागर हो गई। एक लम्हे के लिए थानेदार मुझे कुछ मुस्तरिब नजर आया, फिर कदरे सख्त लहजे में बोला, तो तुम मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हो? आप जो भी समझ ले, मैंने मुभव अंदाज में कहा। वो सोच में पड़ गया, फिर मुझे टटोलती हुई नजरों से देखने लगा। तुम कोई चाल चलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मैंने उसे मक्खन लगाते हुए कहा। जनाब, आपके सामने मैं क्या चाल चल सकता हूं? आप ताकतवर और बाइख्तियार है, मैं आपके जेरे हरासत हूं। ये आपका थाना है, आप यहां के मुख्तारे कुल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। कैद में रहते हुए मेरे लिए वो रकम कागज के टुकड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। आजादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर मुझे 50,000 रुपए के एवज आजादी मिल जाए तो मैं खुश खुश यहां से चला जाऊंगा और आपका भी भला हो जाएगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने खोजती हुई नजरों से थानेदार के चेहरे का जायजा लिया। वो तजब्जुब के आलम में हलकोरे खा रहा था, गोया वो इस वक्त किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैंने लोहा गरम देखते हुए भरपूर चोट लगाई। थानेदार साहब, 50,000 रुपए अच्छी खासी रकम होती है, इससे आपके बहुत से दुख दूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट आपको क्या तनहा देती होगी? आजकल तनहा में कहां गुजारा होता है। 2 माह बाद ईद आने वाली है, क्या इस मौके को आप जाया कर देंगे? घर आई हुई लक्ष्मी को दरवाजे से लौटाना अकलमंदी नहीं थानेदार साहब। मेरी चिकनी चुपनी बातों का उस पर हाथ रहा असर हो रहा था। मुझे वो नीम आबादा नजर आने लगा। मैंने एक और वार चढ़ाते हुए कहा, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, वरना रेंजर्स वाले हमें इतनी आसानी से ना छोड़ते। उसकी अकामी निगाहें सामने वाले का एक्सरा कर देती हैं। हम अपनी बाज मजबूरियों के बायस गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। रेंजर्स वाले हमें क्लियर कर चुके हैं। अब सारा मामला आपके हाथ में है, आप भी क्लियर कर दें तो दोनों फरीकों का फायदा हो जाएगा। आप हमें थोड़ा सा ज्यादा राह दे दें ताकि हम कराची तक बआसानी पहुंच जाए। बाकी सारी रकम, मैं अधूरे जुमले पर अपनी बात खत्म करके जेरे लब मुस्कुराया। थानेदार धीमे लहजे में बोला, बाबा ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। आपके लिए आसान और मुश्किल क्या है साईं? मैंने उसमें हवा भरते हुए कहा। केस इस थाने में है और आप यहां के बादशाह हैं, वो नीम रजामंद होते हुए बोला। वो तो ठीक है बाबा, फिर भी बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है। पूरी रात पड़ी है, मैंने बेपरवाही से कहा। तमाम बातों को अच्छी तरह देख ले और सुबह हमें खुशी खुशी यहां से जाने की इजाजत दे दे। एक रात में क्या हो सकता है, वो उलझे हुए लहजे में बोला। फिर कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं अब कारोबारी अंदाज में थानेदार से बात कर रहा था। वो बोला, सबसे पहले तो पंडित किशोरी लाल से रकम वसूल करने का मरहला है। आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? मैंने उसे बांस पर चढ़ाते हुए कहा। पुलिस वाले तो उगाही के माहिर होते हैं, वैसे भी पंडित स्मगलिंग के चक्कर में भी फंसा हुआ है। आप उस पर दबाव डालकर 50,000 तो क्या, कई 50,000 निकलवा सकते हैं। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने इजाफा किया। आप पता नहीं किस किस्म के थानेदार हो साईं, अगर आपकी कुर्सी पर मैं बैठा होता तो कब तक मैं ये डील मुकम्मल कर चुका होता। मेरी बात ने थानेदार को झंझोड़ कर रख दिया। वो तावन अमेज अंदाज में गर्दन हिलाते बोला, अच्छा ठीक है, मैं पंडित को बुलाकर उससे बात करता हूँ। मैं मुतमईन हो गया कि अब बात बन जाएगी। हमें दोबारा हवालात में ले जाया गया तो मैंने थानेदार से कहा, साईं, आपकी नगरी में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। उसे निगाह उठाकर सवालिया अंदाज में मुझे देखा और कहा, क्या मतलब है आपका बाबा? मतलब ये है साईं कि हमने दोपहर के बाद से कुछ खाया पिया नहीं। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने पीने का कुछ बंदोबस्त हो जाए तो। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, अरे हाँ बाबा, तुम्हें रात का खाना जरूर दिया जाएगा। हम मुतमईन अंदाज में कांस्टेबल के साथ चलते हुए दोबारा हवालात में आ गए। कांस्टेबल ने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और फिर हमारी नजरों से ओझल हो गया। आधे घंटे के बाद हमारा खाना हवालात में पहुंचा दिया गया। तंदूरी रोटियों के साथ मिक्स सब्जियों का सालन था, किसी अनाड़ी बावर्ची की हुनरबंदी का मुंह बोलता शाहकार था। मुंह बोलता इसलिए कि उसे खाने के बाद खाने वाला मुंह से कुछ ना कुछ जरूर बोलता था, और ये बोलना
बावर्ची की शान में कसीदे के अलावा और क्या हो सकता था। बहरहाल हमने शुक्र करके खाना अपने मेदू में उतारा और पानी पीने के बाद खाने के बर्तन हवालात के दरवाजे के पास रख दिए। मैंने दोबारा हवालात की दीवार से टेक लगा ली। हमारे पास घड़ी नहीं थी, तहम मेरा अंदाजा था कि उस वक्त रात के 10 बजे होंगे। मुझे उम्मीद थी कि थानेदार इस वक्त पंडित को पटाने में जरूर कामयाब हो जाएगा। धनो को भी मैं हासा रिलैक्स महसूस करता देख रहा था। उसके टहने की चोट में अब दर्द ना होने के बराबर रह गया था। फिर थानेदार से होने वाली मुलाकात भी हौसली हौसला अफजा साबित हो रही थी। इसी जेल में धनो ने मुझसे पूछा, वजदान तुम्हारा क्या ख्याल है, थानेदार तुम्हारी तजवीज मानने पर तैयार हो जाएगा? मैंने कहा, मुझे तो पूरी उम्मीद है। पंडित किशोरी लाल इस वक्त थानेदार के चुंगल में फंसा हुआ है, वो दम नहीं मार सकेगा। और स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर पर लोगों को बॉर्डर अबूर करवाने के संगीन तरीन इल्जाम है उस पर। इन इल्जाम के सिलसिले में ठोस सबूत भी मौजूद हैं। इस वक्त थानेदार पंडित से हर बात मनवाने की पोजिशन में है। फिर पंडित कोई मुफलिस और नादार और फटीचर किस्म का आदमी तो है नहीं, वो इसी गाँव के एक साहब हैसियत शैसियत है। 50,000 तो वो खुशी खुशी थानेदार की हथेली पर रख देगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि थानेदार उससे कुछ ज्यादा रकम निकलवाने की कोशिश करेगा। 50,000 तो पंडित को हर सूरत देना ही है। उसके पास ये रकम हमारी अमानत है। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।